आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो खून पतला करने संबंधी दवाई ले रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई खून पतला करने संबंधी दवाई ले रहा है या आपका कोई प्रियजन खून पतला करने संबंधी दवाई ले रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और मैं डॉक्टर राहुल यादव आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो प्राकृतिक रूप से अपने ब्लड को जो है वो पतला कर सकते हैं और आप तो किस तरह से जो है अपनी मेडिसिंस बंद कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से आप जो है वो स्वस्थ रह सकते हैं। और आपका जो है वो खून तब भी गाढ़ा होने लगता है जब आपको सर दर्द होता है या आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आपके शरीर में जो है वो कहीं ना कहीं ईचिंग खुजली हो रही होती है और आपकी आईसाइड वीक होने लगती है या उसमें जो है तेज़ी से जो है गिरावट आती है। ये निशान है कि आपका जो है जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसमें सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में खुजली और साथ ही साथ आई साइड का जो है वो तेज़ी से जो है कम होना, ये खून के गाढ़े होने संबंधी लक्षण हैं। और जब ये ज़्यादा जो है खून गाढ़ा हो जाता है तब किसी व्यक्ति की जो है हार्ट से संबंधित जो है दवाई चलने लगती है। तो इसमें जो है काफ़ी सारी मेडिसन्स मार्केट में आती हैं और जब आप इस तरह की जो है मेडिसन्स लेते हैं तो इस तरह की मेडिसन्स लेने से जो है तो कुछ दिनों बाद आपकी जो है वो बीपी की जो भी मेडिसन्स जो है चलने लग जाती है। तो आज जो है आपको अगर प्राकृतिक रूप से अपना ब्लड जो है पतला करना है तो आपको जो है 5 ग्राम जो है वो अदरक लेना रहेगा और उसके अलावा लहसुन की एक कलीर लेनी रहेगी और 5 ग्राम जो है वो हल्दी लेनी रहेगी। इन तीनों को जो है आपको रात को जो है सोते वक्त जो है वो इस्तेमाल करना है, खाने में जो है इस्तेमाल करना है और इन तीनों ही चीज़ों का जो है वो किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है बल्कि इनका जो है वो साइड बेनिफिट है। यानी कि अगर आप अदरक, लहसुन और हल्दी लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ जो है वो खून पतला करने के अलावा भी अन्य फ़ायदा मिलेगा। और जो आप मेडिसन्स लेते हैं, कोई एलोपैथ मेडिसन्स लेते हैं तो जब वो आपके ब्लड को जो है पतला करती है तो वो पूरी बॉडी के जो है ब्लड को पतला करती है, लेकिन ये अदरक, लहसुन और हल्दी ये जो तीन चीज़ हैं ये आपके ब्लड को जो है कंडीशनल जो है पतला करते हैं। यानी कि जिस जगह ज़रूरत होगी सिर्फ उसी जगह जो है ये ब्लड को पतला करेंगे और बाकी जो है वो किसी भी जगह ये ब्लड को पतला नहीं करेंगे। और जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लहसुन की जगह जो है वो हल्दी ले सकते हैं और उसमें भी वही चीज़ आपको लेनी रहेगी, 5 ग्राम अदरक, 5 ग्राम लौंग और 5 ग्राम जो है हल्दी। और ये आप लहसुन की जगह जो है लौंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जो है वो लहसुन नहीं जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है ब्लड अपना पतला करना चाहते हैं तो आपको जो है प्याज का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देना है और प्याज जो है वो आप कच्ची प्याज जो है ज़्यादा खाएँ। जब आप प्याज जो है वो सब्जी में या दाल में जो है डाल के जो है वो खाने लगते हैं तब वो आहार बन जाता है, यानी कि वो तब खाना बन जाता है। और जब आप उसको कच्चा खाते हैं तब वो औषधि रहती है, दवाई रहती है और कच्ची प्याज जो है वो अधिक फायदेमंद है बजाय इसके कि वो सब्जी में या दाल में पड़ी हो। ऐसा नहीं है कि सब्जी या दाल में जब प्याज पड़ी हो तब फ़ायदा ना रहता हो, लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है, कच्चे प्याज खाने से फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको फाइबर वाला भोजन भी करना चाहिए। जब आप फाइबर वाला भोजन करेंगे तो आपका पाचन अच्छा होगा और पाचन अच्छा होने से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बेहतर होगा। और इसके अलावा आपको हल्दी और लौकी का जूस पीना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो ब्लड जो है पतला करती हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेडिसन के रूप में चाहिए कि साहब मैं क्या मेडिसन सुनूँ, अगर मुझे मेडिसन और पता चले आयुर्वेद की तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको दालचीनी और अर्जुन की छाल इनको आपको लेना है थोड़ा थोड़ा और इनको जो है 400 ml पानी में पकाना है और जब 100 ml पानी रह जाए तब इसको जो है चाय की तरह सुबह और शाम जो है इस्तेमाल करना है। और आप जो है वो मेडिसन्स इस्तेमाल करिए जो ईश्वर की बनाई हुई दवाएं हैं, और जो ईश्वर की बनाई हुई दवाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं बजाय उनके जो कि मनुष्य की बनाई हुई दवाएं हैं। और अगर आप टैबलेट्स लेना चाहते हैं तो इसमें हृदय अमृत आती है टैबलेट, पतंजलि की बहुत अच्छी टैबलेट्स है। ये टैबलेट आप 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम ले सकते हैं। धन्यवाद।